गाइज वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइज ये जनरल डायमेंशन कलेक्टिव रीडिंग है, जो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके लेट्स सी कि आपके पार्टनर की भी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। एस ऑफ वन, आप ध्यान दे रहे हो अगर तो पिछले कुछ रीडिंग से सबसे पहले यही कार्ड आ रहा है, द सन। इन दो कार्ड्स को देख के मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ कि आपको ना बहुत जल्दी कोई क्लियरिटी मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके थ्री ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ कप्स, तो आपको कोई क्लियरिटी मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो एक क्लियरिटी के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, वो आपको क्लियरिटी देने के बारे में ही सोच रहे हैं। सो वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं उस चीज़ को लेकर के, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो। और अगर बात हो भी रही है लेकिन कुछ ही तरीके की कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहाँ आप कुछ क्लियर चाहते हो या कुछ क्लियरिटी चाहते हो तो वो मिल जाएगी। सो यस, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ शायद कोई ऑफर आपको करें आपके पार्टनर, कुछ भी हो सकता है, बाहर घूमने के लिए बोले या कहीं जाने के लिए साथ बोले या कुछ भी, कुछ नया नए चीज़ के लिए कुछ बोले, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि कुछ वैसी एनर्जी आई है यहाँ पर। आप भी कहीं ना कहीं यही विश मांग रहे थे कि वो अपनी तरफ से अप्रोच करें या कुछ तो आप चाह रहे थे अपने पार्टनर से, तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ आप चाह रहे थे जो कि आपको मिलने वाला है। The Hangman, Temperance, King of Pentacles, Five of Pentacles। काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर स्टक थे लेकिन अभी मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और वो एक डिसीज़न लेने के लिए रेडी हैं। यस देखो द वर्ल्ड भी है, तो वो स्टक एनर्जी का एंड है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर किसी स्टक एनर्जी में थे बट अभी वो स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और वो एक डिसीज़न लेने के लिए रेडी हैं अभी। और सेपरेशन वाइब्स हैं भाई इस रीडिंग में, तो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, तो ऐसा देख रही हो कि आप भी आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है अपने पार्टनर के साथ और आप खुद उनसे दूर नहीं होना चाहते हो। आप चाहते हो कि मतलब कुछ अगर जैसे हर रिश्ते में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में होती है, तो आपका यही है कि हो अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। एंड आप काफ़ी टाइम से यही था कि आपका बहुत मन था उनसे बात करने का लेकिन शायद आप कर नहीं रहे थे, कुछ रीजंस की वजह से आप रुके हुए थे। या तो आपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ले रखी या फिर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। सो इस चक्कर में कहीं ना कहीं आप रुके हुए थे और आपका यही मन था कि वो आगे से अब अप्रोच करें, वही लें स्टेप, तो वही मुझे दिख रहा है यहाँ पर होते हुए कि जो आप चाह रहे थे ना वैसा होने वाला है अभी, ठीक है, जैसा आप चाह रहे थे कुछ वैसा होने वाला है। यस, क्योंकि आपके पार्टनर स्टक एनर्जी में थे लेकिन अभी उससे बाहर आ रहे हैं ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ये साइन बहुत स्ट्रांग है।
वृषभ कन्या मकर राशि, मेष सिंह और धनु राशि। हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, इस वक्त ना देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो फैसला लेंगे आपके पार्टनर अपने दिमाग से लेंगे लेकिन दिल से सोच रहे हैं। अभी आपके लिए क्या कर रहे हैं, दिल से सोच रहे लेकिन फैसला ये दिमाग से लेंगे। द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप ये कह सकते हो कि फैसला मतलब ये सोचेंगे दिल से ही लेकिन समझदारी वाला कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं। दिमाग से मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे कि हम दिल से सोचते हैं हर किसी के लिए लेकिन एक समझदारी से डिसीजन लेते हैं, दिमाग से लेते हैं। जैसे मान लो कि हम दिल से ही सबके लिए सोच रहे हैं लेकिन भाई अपना भी खुद का देख के चलना होता है तो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। तो वही मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए दिल से सोच रहे हैं लेकिन समझदारी के साथ खुद का भी कुछ देखते हुए ही वो डिसीज़न लेंगे। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना उनको आपका प्यार चाहिए और उनको भी कहीं ना कहीं पता है, ये फील होता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा उनको फील होता है। और बस यही है कि इसी फीलिंग के साथ वो चल दिए हैं या फिर वो चलने की सोच रहे हैं, मतलब कि आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों मिलो और काफ़ी रोमांटिक मुलाकात ही आपकी हो सकती है। काफ़ी सारे इमोशंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्योंकि वो हैं उस मूड में, रोमांटिकली बहुत कुछ उनके चल रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत टाइम से स्टक थे लेकिन अभी लाइक यू नो एक होता है ना कि अपने काम में बिज़ी रहना, स्टक रहना, रोज़ रोज़ एक ही सेम चीज़ फॉलो करना, सेम रूटीन फॉलो करना, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा ना फ्री टाइम लेना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं। तो वही चीज़ के लिए ये जो है ये स्टक एनर्जी से, ये पता है कि एक फैसला लेना पड़ेगा तभी वो चीज़ मिल सकती है। अगर आपका प्यार चाहिए भी तो एक फैसला चाहिए, सम क्लियरिटी, यू नो किसी तरीके की कोई क्लियरिटी। हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से कुछ कह ही नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है या वो चाहते क्या हैं क्योंकि वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। आप उनका वेट करते रहते हो, आप जो है पहले वो बहुत टाइम देते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी लेकिन अभी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप एक सोच में हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और बात ठीक से नहीं हो पा रही, तो वही कुछ आपको क्लियरिटी मिल जाएंगी कि क्यों ये बात नहीं कर पा रहे थे आपसे या फिर क्या रीज़न था कि इतना ज़्यादा ये जो है खुद में चले गए। लाइक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में और आपको टाइम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, वो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ऐसा दिखता है यहाँ पर। ओके यस, ये अभी अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, ये अपनी लाइफ से भी बोर हो गए, तंग आ गए हैं। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफियल, अगेन ये हार्ट चक्र का कार्ड है। मे बी आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस चल रहे थे लेकिन अभी वो हील हो रहा है। एक्शन डेफिनेटली, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज। ओके सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी तरफ इनके एक्शंस आएंगे और ये हर सिचुएशन को संभालने की, उसे डील करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको भी नज़र आ रहा है कि बहुत टाइम से इन्होंने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और इनको भी पता है कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। इनको भी पता है कि आप भी जो है बहुत कुछ पूछोगे, बहुत कुछ सुनाओगे, तो ये हर चीज़ के लिए रेडी है। लाइक यू नो ये सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार है, ये कुछ वैसी एनर्जी है। और
देखो हमें जैसे मान लो रिलेशनशिप में हो आप, अगर आप अपनी आप रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे रहे हो बाकी अपनी पूरी लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो लग ही जाएगा ना कि मैंने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, आपको कहीं ना कहीं फील हो ही जाएगा। तो आप पहले प्रिपेयर होकर के जाओगे कि भाई उसके सवालों के जवाब तो मुझे देने ही देने हैं। तो वही चीज़ दिखते मुझे कि ये भी खुद को वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि ये हर सवाल के जवाब दे सके और जो भी सिचुएशन हो उसको डील कर सके, चाहे फिर वो आपकी नाराज़गी हो, गुस्सा हो, या फिर आपके क्वेश्चंस हो। तो वो है यहाँ पर। ओके, डर भी लग रहा है इनको, बट डर इसलिए क्योंकि इनका ना देखो हर इंसान के अंदर होता है ईगो, कोई उसको बहुत ज़्यादा तबज्जो देता है, कोई उसको ज़्यादा तबज्जो नहीं देता है। इनके अंदर भी ईगो है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, तो ईगो तो इनके अंदर भी है और बहुत है। तो जो डर है वो किस बात का है कि लेकिन बात करने के लिए आए, और फिर वो एक ऐसी बातें हो जाती है कई बार ना बात करते करते ऐसी बातें हो जाती है कि ईगो हर्ट होता है इंसान का। तो इनका यही है कि कहीं बस ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिससे ईगो पर बात जाए, बाकी तो ये सब एडजस्ट कर लेंगे, इनका ये है। ओके, सो ऐसा कुछ है। मैं यहाँ से आपके लिए मैसेजेस देखूँगी। आई लव यू, पहला ही मैसेज आपके लिए ये है। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, सॉन्ग है ये। आई लव माई किड्स। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आपके बच्चे भी हैं, सो ये बहुत याद कर रहे हैं बच्चों को। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज़ हाउ मच आई लव यू। इनका ये है कि अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान जानता है कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये किसी और कंट्री में, आप किसी और कंट्री में हो, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, आपके भी बच्चे भी हैं, तो काफ़ी टाइम से आपकी ठीक से बात नहीं हुई अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो ऐसा कुछ है। यू आर सो अडोरेबल, ये लो जी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। ओके, सो अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये किसी भी तरीके की कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, बट ये आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर तुम ना होते तो, ये कुछ ये सॉन्ग है। प्लीज़ गिव मी सम टाइम व्हेन टू कंप्लीट माय वर्क। ओके, सो यहाँ पर है आई लव माय मदर। ओके, सो कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि शायद मदर इश्यूज हो सकते हैं, तभी ये मैसेज भेज रहे हैं कि इनको अपनी मदर से बहुत प्यार है, तो वो यही कहना चाहते हैं आपसे। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बोला था ना कि अपने आप को इन्होंने बिजी कर लिया एक तरीके से, वो एनर्जी मिल रही है, सो कुछ काम है इनका वो कंप्लीट करके ही आपकी तरफ आएंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम आपसे मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं फिर करता हूँ। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। ओके, तो आप वो बोला जा रहा है कि वेट करो ये वापस आएंगे। आई वॉन्ट टू हग यू, एंड लास्ट मैसेज है यहाँ पर। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। तो ये कुछ एनर्जीज है, एंड आई लव माई फैमिली का भी यहाँ पर कार्ड है। तो ये मैसेजेस हैं यहाँ पर। और गाइज, आपके मन में कुछ यस नो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पूछ लीजिए एक बारी, ठीक है? यस नो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लीजिए। मैं यहाँ पर दो कार्ड्स लूँगी, आपने को ये कार्ड चूज़ करना है, ठीक है? यस या नो में आपने पूछना है क्वेश्चन। कार्ड नंबर 1 एंड 2, कोई एक चूज़ कर लो आप, फिर हम और बाकी एंजल से क्लियर भी करेंगे कि यस है तो क्यों है और नो है तो लाइक यू नो क्या करना है, या जो भी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? तो कोई एक कार्ड अपना क्वेश्चन पूछ के आप चूज़ कर लीजिए अपने लिए। ओके, सो कार्ड नंबर 1 आपका है यहाँ पर आंसर, यस, आपका आंसर यस में है, एंड कार्ड नंबर 2 नो है। ओके, अभी के लिए नो है कार्ड नंबर 2, और कार्ड नंबर 1 आपके लिए यस में आंसर है।
एंजल से पूछ क्लियर कर लेते हैं एक बारी कि यस में मैसेज है तो क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या कहना है एंजल का, जिनके लिए यस में आंसर आया है उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। डोंट स्टॉप, पीसफुल रेजोल्यूशन। अच्छा यहाँ पर आपको एंजल्स ये कह रही हैं कि जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो रुको मत, बस करते रहो तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो जो भी कर रहे हो पॉजिटिव रह करके और शांत मन से करो तो अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे भी आपका यस में आंसर आया और वैसे भी यहाँ पर ये गाइडेंस है कि रुकना नहीं है, बस करते रहना है जो भी आप कर रहे हो और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। नो वालों के लिए क्या गाइडेंस है भाई अभी के लिए, जिनको अभी के लिए नो आंसर आया है उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। अबेंडेंस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो इस नो में भी आपके लिए अबेंडेंस है एंजल्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब आपको अभी पूरी तरीके से नहीं पता कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। सो यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ खास है, कुछ अबेंडेंस है, कुछ बड़ा है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। सो इसीलिए ये आंसर नौ में आया है और शायद अभी आपको प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ नहीं पता चल रही, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, आप खुद कहोगे कि अच्छा था जो भी था, बढ़िया था वो। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमें अच्छी नहीं लग रही होती कोई भी चीज़, लेकिन थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो पता चलता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही था। तो ये जो नो है ये भी आपके अबंडेंस, आपके खुशियों के लिए है, कुछ खास कुछ अलग है आपके लिए, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।